सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 3 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 26% की तेजी देखने को मिली, तो वहीं 1 महीने में 27%, 3 महीने में 56%, 6 महीने में 83% और 1 साल के अंदर 96% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से होल्ड किया उन्हें तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक में ऊपर एक रुकावट रेंज था 104 रुपीज। 104 रुपीस इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी, पर जैसे स्टॉक में इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक का एक टॉप बना 126 रुपीस का। 126 रुपीस के स्टॉक में एक टॉप बना है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिली, पर स्टॉक में फिर से एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग डे को स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 117 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 150 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का वॉल्यूम लिक्विडिटी देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिल रही है, जिससे साफ पता लगता है कि यहां से स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।